ये देखो आप ऋषभ रो रहा है दुबई के लिए। क्या चाहिए चाहिए क्या 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 बताओ क्या क्या दुबई जाना है। हाँ ठीक है दुबई ले जाओ सुबह ले जाओ पर इसको सुबह फिर रोना पड़ेगा। इससे चाहे इसको भी बताए तो अपने बच्चे नहीं जाते। ऋषभ आपका पासपोर्ट नहीं है, अगर पासपोर्ट होता ना तो तू क्या मैं भी जाती ऋतिशि भी जाती सब भी जाते। अच्छा किशु भी रो रही है दुबई के लिए। किशु भी रो रही है दुबई दुबई जाना है किशु को। दुबई दुबई जाना है सा और मैं व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब ये सेकंड व्लॉग आएगा क्योंकि वो वाला बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। और आप देख सकते हैं ऋषभ को हमारे, मैंने वैसे समझाया था ऋषभ को कि नहीं जा पाएगा बट ये देखो कैसे आपसे लाल कर ली रो रो के। किशु भी रो रही है दुबई के लिए। किशु को भी ऐसा लग रहा है कि ऋषभ तो किसी ना किसी चीज के लिए तो रो ही रहा है और मैं भी उसके लिए रो लेती हूँ, क्या पता मेरे को भी मिल जाए वो। अब ऋषभ के पापा कर रहे हैं पैकिंग तो आपको पैकिंग भी शेयर की जाएगी। और हमारा ऋषभ अगली बार मैं और ऋषभ जाने वाले हैं, हम जाएंगे पाली। मतलब दुख तो मुझे भी हो रहा है बट ऋषभ के जैसे रो नहीं सकती और बाकी कुछ बच नहीं रहा मेरे भी। इनके तो मजे हो रहे हैं मेरा ऋषभ को मैं समझ सकती हूँ, ये इसके क्या दुख हो रहा है वो मेरे हो रहा है, बस मेरे आंसू नहीं आ रहे, रोना नहीं आ रहा, बस ऋषभ बच्चा है तो बस रो रहा है। आप सबने देखा ही था ऋषभ बहुत खतरनाक वाला रो रहा था, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। अब मैंने उसको जैसे तैसे चुप किया है, आप पीछे देख सकते हैं ऋषभ जैकेट पहन रहा है और हम सब जा रहे हैं, हम सब नहीं ओनली मैं और ऋषभ और किशु और किशु ऋषभ के पापा को नहीं लेके जाएंगे हम जा रहे हैं सेंट्रम और सेंट्रम से ऋषभ को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाऊंगी मैं। जैम्स कहाँ गया ऋषभ, जैम्स डेरी मिल्क है ना। और हम मैं और ऋषभ बहुत मजे करने वाले हैं इन दिनों, देखना मैं ऋषभ से बहुत प्यार करने वाली हूँ। ठीक है ऋषभ आप भी मेरे ना पानी की बोतलें ये सब चीजें भर दोगे ना। अच्छा ऋषभ ने जैकेट नहीं पहनी थी, वैसे ऋषभ आपको जैकेट दी थी ना मैंने ब्लैक वाली तो आपने पहनी नहीं। छुपके से नहीं ऋषभ, ऋषभ छुपके से निकलना पड़ेगा किशु से। स्कूटी निकालती हूँ और हमें किशु को ऋषभ एक काम करना आपको, मैं जब तक स्कूटी निकाल रही हूँ ना तो इसको आप है ना रूम में लेके जाओ। ठीक है मैं जब तक स्कूटी निकालती हूँ ना आप है ना किशु को रूम में लेके जाओ तो फिर अपन छुपके से निकल जाएंगे यहाँ से। ये किशु क्या कर रही है, अपने पापा के पास रह लेंगे। वो पापा कहाँ गए? अच्छा वो पापा, ये इसके शूज नहीं है क्या, देखना एक बार शूज है तो इसके पापा के पास ही छोड़ देते हैं इसको। तो अभी मुझे और ऋषभ को किशु की वजह से वेट करना पड़ेगा क्योंकि किशु को पता चल गया ऐसे कर रही। चलो चलो क्या किशु क्या हुआ किशु खेल लो, शायद मुझे लगता है किशु को थोड़ा सा पता चल गया। हाँ किशु क्या हुआ, किशु देखो डायपर में रहती है। तो हम है ना छुपके से निकलेंगे, किशु को पता भी नहीं लगने देंगे क्योंकि ऋषभ के पापा के पास क्या कॉल आ गया तो वो यहाँ से थोड़ी सी दूर चले गए, वो आ जाएंगे ना यहाँ पे। क्या 1 किलोमीटर दूर तो चले गए। ये देखो मेरा प्यारा सा बिट्टू, क्या कर रहे हो ऋषभ? फ्लावर को पानी दे रहा हूँ। फ्लावर को पानी दे रहे हैं भाई हमारा ऋषभ, और अब हमारे किशा भी देने वाली है फ्लावर को पानी। पता है ऋषभ क्या खाया इससे? क्या खाया, क्या खाया, पत्थर खाया ना आपने, क्या खाया आपने? स्कूटी बंद कौन करेगा, पहले स्कूटी बंद करना है। ऋषभ यहाँ से गिर जाओगे,
तो हम सेंट्रम पहुंच चुके हैं, पकड़ के नहीं ऋषभ, आगे जगह भी नहीं है निकलने की। चलो तो मैं भी यही ये वाला ही सिस्टम करती हूँ, आप वाला ही। मैं देख कितना तो फास्ट आ रही हूँ ऋषभ, इतना फास्ट आता है कोई? स्लाइड हो जाती तो मैं तो, मेरी तो इंसल्ट ही हो जाती ऋषभ। लो ठीक है, आपका सबने लिया है अमूल का इलायची दूध। ऋषभ वैसे दूध भी चाहिए था ना, वो दूध निकालो पहले इसमें से, आपको निकालना है वो निकालो ना, आप निकाल लो पांच, काउंटर पे रख के आ जाओ। थ्री अभी थ्री लगे, ठीक है फिर टू और ले जाना। अब टू और ले जाओ, वन एंड टू, ठीक है चले। दो क्या चाहिए तो एक, फिर क्या चाहिए आपको? एक और जैम्स किशू के लिए, एक जैम्स ले लो किशू के लिए। जैम्स दे दोगे ना आप तो बस वो मेरी चीजें क्यों होती है लास्ट में, आपकी चीजें होती है भैया ऐसे बोलते हैं। कौन सी वाली चली? ये रेड वाली पसंद है क्या आपको ज्यादा? रेड वाली में अपना सामान डाल दिया। आप देख सकते हैं ऋषभ हमारे खुश हो गया अब है ऋषभ। अब आप दुबई के लिए नहीं रहोगे ना, आप दुबई कोई भी जाए चाहिए आपको कोई मतलब नहीं है ना, पक्का? ये भारी है, चलो मैं अभी जल्दी से डिगी खोलती हूँ। लाओ मुझे दे दो ना आइसक्रीम, आप पकड़ लो, खोलो आपके लिए। हाँ आप, आपको पता ही है आपको तो खानी नहीं है। अरे यार ऋषभ ये इतनी गंदी कौन रखता है स्कूटी को, आपको साफ करनी चाहिए ना, देखो कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है स्कूटी पे। कल है ना वो भैया गाड़ी साफ करने आए ना, उनको बोलना आप स्कूटी साफ करे ना। एक ट्रॉली के अंदर बैठा हुआ है ऋषभ, रुको अभी नहीं, जस्ट अभी बोलना है आपको। थोड़ा फास्ट बोलो फास्ट। ये देखो ये हमारा बेबी, ये बच्चा देख रहा है क्या फ्री एंड फायर? क्या देखता है? फ्री फायर। आजकल के बच्चों को देखो आप, है ना ऋषभ, बस फोन के अलावा कोई बात नहीं रहती इनके पास। ये तो कैसे मजे कर रहा था, एक बच्चा सो भी रहा ऋषभ। हाँ ये तो किसी की तरह चंट है, आराम से सो रहा है। इसके पापा देख के हंस रहे हैं। इसके पापा हंस रहे हैं क्या? देखो आजकल के बच्चे ऋषभ आपकी तरह ही है, ये तो देख लिया मैंने। लेकिन मेरे को फ्री फायर नहीं पसंद है। खाना भी नहीं बनाया और अभी भैया, अच्छा भैया आप ही गए, भैया आप ही गए, मैं गेट खोलती हूँ। हाँ जी ऋषभ के नाम से पेमेंट हो गया ना, कोई ओटीपी वगैरह दे देना। तो ये आप देख सकते हैं हमने मंगवाया है बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो इसमें से चिकन चिकन तो खाना है मुझे, और ऋषभ के पापा को खाना है बिरयानी। चलो देखते हैं। आज मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मूड नहीं था, मैंने सोचा, मैंने तो पहले बोल दिया कि मैं नहीं बनाने वाली खाना। ऋषभ के लिए रोटी बनाई थी मैंने, जो ऋषभ ने खा ली। और यार कितनी अच्छी पैकिंग, इतनी अच्छी है इसकी। मतलब ऐसे मिट्टी, तो आप देख सकते हैं इतनी तगड़ी वाली रैपिंग की है, और ये मिट्टी का है, मतलब निकालेंगे कैसे? हमने मंगवाया बताओ कहाँ से है बिरयानी बाई किलो, ये वैशाली में है और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाते हैं। बस ये खुलेगा कैसे, ये शायद ऐसे खुलेगा, देखते हैं। यानी ये वाला सिस्टम गलत है यार, कचरा कर दिया मेरे तो पट्टी पे, इतना तो खाना बनाने में कचरा होता जितना इसने खुद ने कर दिया।
रैपिंग सही नहीं है यार, मेरे से तो खुल भी नहीं रहा, ये आप ही खोलो। और क्या खुल ही नहीं रहा, तो ये रैपिंग खुल भी नहीं रही थी मेरे से, तो हमेशा ही ऋषभ के पापा ही खोलते हैं। यार इसमें चिकन कहाँ गया, ये क्या है, मैंने चिकन बिरयानी करी थी ना, चिकन तो है ही नहीं। गाइस इसमें एक भी चिकन नहीं आया, मैंने शायद चिकन बिरयानी की थी, ये तो ऋषभ के पापा की ओनली बिरयानी होगी। थैंक यू सो मच सारा व्लॉग देखने के लिए, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऋषभ की शू और ऋषभ के पापा देख रहे हैं टीवी उस वाले रूम में, और मैं यहाँ सोने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत गंदी वाली नींद आ रही है, तो सोएंगे और फिर कल सुबह जाएंगे ऋषभ के पापा। वैसे इनकी दिल्ली से फ़्लाइट है, वो तो शाम को है 9 बजे से, और देखते हैं दिल्ली के लिए सुबह निकलते हैं क्या होता है वो आपको कल बताया जाएगा, ये अभी तक मुझे खुद को भी नहीं पता क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं मुझे। बस फ्लाइट का मुझे पता था क्योंकि उन्होंने फ़्लाइट की थी ना उस टाइम मैं वहीं थी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, खाना वाना हो ही गया, गुड नाइट, बाय।